सर, इस दौरान आपके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी कि आज कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ है, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे अगर आपके पास जानकारी हो तो हमारे दर्शकों के लिए। और इस दौरान जस्टिस नागरत्ना की तरफ से क्या कुछ कहा गया, अगर इस बारे में आप बता पाए तो। पांच से बिंदु उन्होंने कहे अपनी जजमेंट में। बेसिकली सबसे पहली बात यही कही कि इस किस्म के हादसों में, इस किस्म के केसेस में जो नारी, जो महिला जिसमें की विक्टिम होती हैं किसी भी कारण से, खासतौर पे महिला के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, उसमें जो है एक अलग किस्म की एटीट्यूड कोर्ट को रखनी पड़ेगी और न्याय व्यवस्था को दिखानी चाहिए। तो नारी के प्रति जो उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो सम्मान है, उसको बचाने का काम जो है वो जुडिशल सिस्टम का, न्याय व्यवस्था का है। तो उस कारण से उन्होंने इस पिटीशन को एंटरटेन किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, कि ठीक है, रिमिशन का राइट है। जब एक अपराधी जो है उसको जब सजा पूरी हो जाती है और अगर रिमिशन का प्रावधान है सजा माफी का, तो उसको एक्सरसाइज करने का राइट है उसका। लेकिन उस बात को, उनकी रिमिशन को करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या ये जो रिमिशन है वो उसके लिए क्या वो कहीं कहीं जो आत्म जो विक्टिम है उसके साथ तो अन्याय नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो मिकदार है जो क्राइम की वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस केस में इस मुद्दे पर जो है खासतौर पर जस्टिस बीबी नागरत्ना और जो बेंच थी उनकी, उन्होंने इस मुद्दे पर काफी जो है अपना ट्रायल के दौरान उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन की थी, जो शायद अब जजमेंट में पूरी रिफ्लेक्ट होंगी उनकी, जब पूरी जजमेंट में मुझे मिलेगी मैं पढ़ूंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि कानूनी व्यवस्था को भी उन्होंने जो है सेटल किया कि जहां पर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां ट्रायल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। तो ये इनका ही कंटेंशियस पॉइंट था कि क्या उन केसेस में इसका राइट किसको होगा अगर रिमिशन या प्रोसेसेस अगर करने हैं। तो दो तीन मुद्दों पर मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी जजमेंट है। बिल्कुल सर, और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने या उन पर आदेश पारित करने की कोई क्षमता ही नहीं थी। जी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई जो कानूनी व्यवस्था जो उन्होंने स्थापित की जजमेंट के जरिए, वो यही है कि जिन केसेस में ट्रायल जो है, क्योंकि अपराध एक स्टेट में हुआ है लेकिन उसका ट्रायल किसी भी कारण से अगर दूसरी स्टेट में ट्रांसफर किया जाता है, जो हम बहुत समय से देखा हमने बहुत सारे केसेस में हुआ है, उन केसेस में ये व्यवस्था बहुत काम आएगी, ये जजमेंट जो है बहुत काम आएगी कि कोई भी प्रोसेस जो है सजा का, सजा काटना उस सरकार को वापस स्थापित नहीं कर देता उनके अधिकारों को। बेसिकली जहां पर पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन हुआ है या जहां पर जो पूरा कानूनी प्रक्रिया हुई है उसको सजा देने की, उसी स्टेट में ही वो सब बाद के प्रक्रियाएं भी चलेंगी। जो जहां पर अपराध हुआ है, जहां से ट्रायल ट्रांसफर किया गया था, उस राज्य में नहीं चलेंगी। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस बात का आप भी शुरू में ही जिक्र कर रहे थे, गुजरात सरकार के आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की तकलीफ का एहसास भी बेहद जरूरी है जो उसने तकलीफ झेली है। मैं यही आपसे जिक्र किया था कि जो पीड़िता के बेसिकली उसमें जो अपराध का नेचर है, जिस किस्म का जो है उसके बाद कंडक्ट है, या जो पीड़िता है उसकी जो स्थिति है, उनकी जो मनस्थिति है, उसकी जो समाज में स्थिति है, और उसकी से रेमिशन में बहुत जरूरी है। बेसिकली मैं इसको इस कंक्लूजन तक लेना चाहूंगा कि रेमिशन के समय पर क्या पीड़िता इस बात के लिए मेंटली तैयार है कि नहीं, उसके साथ इंसाफ हो गया है। अगर पीड़िता ये कहती है कि नहीं, ये रेमिशन 14 साल के बाद जो हुआ है इससे मुझे इंसाफ पूरा नहीं मिला, तो इस बात को कोर्ट को गौर करना पड़ेगा। और इसी, मुझे लगता है कि इस केस में खासतौर पर इस बात पर बहुत गौर किया गया है, क्योंकि कानूनी तौर पर अगर व्यवस्था है, अगर आप जो है रूल्स देखें तो डेफिनेटली 14 साल के बाद रेमिशन का राइट है, लेकिन उसको जो पीड़िता की स्थिति है, मनस्थिति है, या जो उसकी जो उसके विरुद्ध अपराध जो हुआ है, उसकी सीवियरिटी है, उन सब चीजों को भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा इस किस्म के फैसले लेते हुए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संजय बंसल जी।